पटना में बैचलर रह के भी हम अपने कल्चर को कैसे फॉलो कर रहे हैं वो सब चीजें आज हमने बढ़िया से गंगा नहान किया, पूजा पाठ हुआ, ब्रेक ले नहीं पाऊ था तो हम दोनों गिरने वाले थे अभी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की ब्लॉग जो है स्टार्ट हो रही है सीधा अपने ऑफ रोडिंग से, वो इसलिए क्योंकि इधर जरा साइड में दिखाइए, हम लोग आए थे गंगा नहान में, हमने बढ़िया से गंगा नहान किया, पूजा पाठ हुआ और फिर कपड़े चेंज किए और अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। तो हमने सोचा कि यहाँ से एक ब्लॉग भी स्टार्ट कर दें। और एज यूजल आपको पता ही है मैं हूँ संदीप है, देख लीजिए रास्ता नहीं समझ में आ रहा है किधर से कहाँ जाना है, लेकिन हम लोग जाने का कोशिश में जो है लगे हैं। किधर लेके चले आप लोग भी, हमने अंदर का जो है ब्लॉग नहीं किया क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोग नहा रहे थे, तो नहाते हुए ब्लॉग करना ठीक नहीं लगा मुझे, सबके सेफ्टी से खेलना नहीं है। तो अब हम निकल रहे थे तो हमने सोचा कि अब वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं, तो वही है। और हम लोग अकेले नहीं है, शिवम भी है। कहाँ है शिवम भाई? पीछे भी है, ये देख लीजिए यहाँ पे पूरा एकदम माहौल है, एकदम ट्रैफिक ही ट्रैफिक, इतने सारे लोग आए हैं, पूरा एकदम रश ही रश नहाने के लिए। गंगा नहाने का बहुत ही अच्छा पर्व है और साल भर का जितना भी पाप है वो छठ के बाद आज ही कटित किया जाता है। तो अभी फोटो वोटो लेना हो रहा है, हम लोगों ने अपना पाप कटित कर लिया, आपने किया है कि नहीं कमेंट करके बताया, नहीं किया तो आके कर ले, आज दिन भर टाइम है नहाने का। रबर है क्या? चलो हो गया। तो देख लीजिए आगे शिवम बाबू चल रहे हैं, पीछे पीछे मैं हूँ। और हम लोग का प्लान ऐसा है कि यहाँ से निकल के कुछ मीठा खाया जाता है, तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे और मीठा खाएंगे राजा के, खजूर वजूर जो भी होगा, ठीक हुआ घर से जो लाया होगा वही खाएंगे। इधर आप पूरा दिखा दीजिए, पूरा व्यू जो है वो एकदम भरा पड़ा है, पूरा भरा पड़ा है, कहीं से कहीं वो नहीं है। मज़ा बहुत आ रहा है भाई साहब, अगर मैं आप लोगों को बता दूं, अल्टीमेट लेवल का फन है यहाँ पर, बहुत मज़ा है। और मैं पहली बार गंगा आकर नहाया हूँ उस दिन गंगा नहाने के लिए, डस्ट है तो हम हेलमेट का वाइजर में वो बंद कर लेंगे। आप भीड़ देख लीजिए आप लोग, ट्रैफिक चेक करो। इतना ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक भरा है दिन में, सिर्फ गंगा नहान के चलते, क्योंकि दिन में नहीं होता है सिर्फ शाम में होता है। देखा जाए तो भक्ति का भाव पटना में इतना जागरूक है युवाओं में भी, और जो बाकी दूर के लोग हैं उनमें है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और हम लोग भी सिर्फ इसलिए आए हैं कि जितने भी हमारे एज ग्रुप के लोग हैं, जितने भी युवा हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी यंगस्टर्स हैं, वो अपने जो उनका जो भी पर्व है जिस चीज़ में बिलीव करते हैं वो चीज़ करें। जैसे हमें लगा कि गंगा नहान का दिन है, पटना में हम लोग हैं, हमें नहाना चाहिए, क्या समझे? देख लीजिए हम सब लोग आए, नहाए और अपने कपड़े चेंज किए, और दो चार लोग आ गए हैं। तो ये सब चीज़ें जो कल्चर हमारे पूर्वजों से आ रही है उसको हम ना छोड़ें, उसको जैसे तैसे करके जो करें, आपको जैसे ठीक लगे रखे, बस यही हमें बताना ब्रेकर वेकर आ रहा है तो मैं ब्रेक ले नहीं पाऊँ था, तो हम दोनों गिरने वाले थे अभी सैडली, लेकिन बच गए। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर आगे, है ना, आज करते हैं फिर इस टॉपिक को। तो अभी हम लोग पानी टंकी पहुंच गए हैं और अभी प्लान अब यहाँ से यही है कि रूम पर जाकर फटाफट से मीठा खाएंगे, खजूर वजूर है अपने पास, एक हुआ प्रसाद जो छठी माई का है, और वो सभी आप लोग को दिखाएंगे, मतलब
पटना में बैचलर रह के भी हम अपने कल्चर में कैसे फॉलो कर रहे हैं वो सब चीज़ें आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, इसकी बिल्कुल ना करें। ये देख लीजिए, जैसा कि मैंने बोला था हम पटना में रह के भी अपने कल्चर को जो फॉलो कर रहे हैं, तो मुंह मीठा करेंगे हम छठ मैया का प्रसादी से। सबका वही हाल है ठकुआ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहीं भी रहें, किसी भी सिचुएशन में रहें और वो करें, कल्चर को ना भूलें और अपने कल्चर को ना भूलें, कल्चर संस्कृति। ठीक है भाई, तो आज का वीडियो जो बनाने का हमारा मोटिव था वो यही था कि हमें भी जैसा कल ही पता चल गया था, कल मैं गया था फेज टू देखने, तो आज गंगा नहाने, तो आज हम लोग गंगा नहा गए, नहाए आके बाकायदा जो घर पे किया जाता है वो सब किए। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।